राजस्थान में जहरीली शराब से मौतों के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन में शहर के सभी थाना अधिकारियों को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी अभियान के तहत CST और संबंधित थाना पुलिस ने शहर के आमेर और बस्सी इलाकों में कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया। DSP ईस्ट अभिजीत सिंह ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बस्सी इलाके में कार्रवाई करते हुए 25,000 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया गया है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि पुलिस ने अवैध शराब के ड्रम भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में पिछले दिनों हुई घटना के बाद प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। इसी के तहत पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा होगा लगातार अवैध शराब और हथकड़ शराब के खिलाफ कल भी कार्रवाई व्यापक पैमाने पे की गई है, आज भी की गई है और एक अभियान, विशेष अभियान चलाया जा रहा है 15 दिनों का, जिसमें कि अवैध शराब के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जाए। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने कहा है कि शहर में 15 दिनों तक अवैध शराब के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब के सिटी टीवी राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।